हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनम फैशन। बोट ने एक ब्लाउज डिजाइन बनाने के लिए ब्लाउज के बैक पार्ट की लंबाई ली है 14 इंच, शोल्डर 7 इंच, आर्म होल 7 इंच, सीना 10.5 इंच एंड कमर के लिए 10 इंच लिया है। गले की मार्किंग करेंगे। गले की चौड़ाई रखी हमने यहाँ पर 3 इंच। गले की लंबाई 12 इंच ली है, यानी कि नीचे से हमें सिर्फ 2 इंच छोड़ना है इसमें, और बाकी गले की हमें लेंथ ले लेनी है। ऊपर के साइड से एक निशान लगाया है 3 इंच पर, और गले को हमें कुछ इस तरीके से राउंड शेप दे देना है। इसके बाद हमने जो निशान 3 इंच पर लगाया है, वहीं से हम एक निशान लगाएंगे 1 इंच पर, और अब हमें गले को कुछ इस तरीके से वी शेप देना है नीचे की तरफ। देखिए, कुछ इस तरीके से हमने शेप दिया है। नीचे की साइड से गले की चौड़ाई हमारी 3 इंच है। अब गले की कटिंग कर लेंगे। मेन फैब्रिक पर भी हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। इसे ओपन करेंगे। सबसे पहले मेन फैब्रिक रखेंगे, उसके ऊपर अस्तर को रख के हमें अच्छे से पिन से सिक्योर कर लेना है। अब हम इसमें गले के किनारे सिलाई लगाएंगे। जो डिजाइन हमने नीचे कट की है, उसी में हमें सिलाई लगाने हैं। अभी सिलाई लगाने के बाद हम इसमें छोटे छोटे से कट लगाएंगे। देखिए, कुछ इस तरीके से कट लगा लिए हैं, और अब हमें अस्तर को अंदर की तरफ पलट देना है। इसके बाद इसमें हम एक सिलाई और लगाएंगे फिनिशिंग के लिए। तो यहाँ पर हमें अस्तर को अच्छे से अंदर की तरफ दबाते जाना है, ताकि हमारा अस्तर बाहर की तरफ ना दिखे बिल्कुल भी, और इसमें फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाते आना है। नीचे की डिजाइन बनके रेडी है। ऊपर का गला रेडी करेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ी और एक पट्टी कट करके ली है। पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे और गले के किनारे सिलाई करेंगे। एक सिलाई लगाने के बाद पट्टी को हमें पलटना है। दूसरी सिलाई हम पट्टी के ऊपर लगाएंगे। अब हमें पट्टी को अंदर की तरफ पलटते हुए एक सिलाई पर और लगा देनी है। तो यहाँ पर ये हमारा कुछ इस तरीके से ऊपर साइड का भी गला बनके रेडी हो जाएगा। देखिए, कुछ इस तरीके से गला बनके रेडी है। बैक टक्स की सिलाई लगा लेंगे। दूसरे बैक टक्स की भी सिलाई लगा लेनी है हमें। इसके बाद इसमें कमर पट्टी लगाएंगे। कमर पट्टी लगाने के लिए हमने यहाँ पर ये 2 इंच चौड़ी अस्तर की पट्टी कट करके ली है। पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे और इसमें एक साइड से सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई लगाने के बाद पट्टी को पलटेंगे, दूसरी सिलाई पट्टी के ऊपर लगाएंगे। अब हमें पट्टी को अंदर की तरफ पलट के एक सिलाई और लगानी है। कमर पट्टी लग चुकी है, इसे साइड में कर देंगे। डिजाइन बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये 2 इंच चौड़ी ब्लाउज के कपड़े की पट्टी ली है। पट्टी को हमें दोनों तरफ से पलटते हुए एक बार और पलटना है इस तरीके से, और इसके ऊपर हमें एक सिलाई लगा लेनी है कुछ इस तरीके से। हमें इस पट्टी को रेडी कर लेना है सिलाई लगाकर। एक सिलाई लगाने के बाद हम इसमें दूसरी साइड भी सिलाई लगाकर रेडी कर लेंगे। तो ये पट्टी कुछ इस तरीके से रेडी है। अब इसे हम लगभग 2 इंच के टुकड़ों में कट कर लेंगे। सेम
इसी तरीके से हमने दूसरे कलर की भी पट्टियाँ कट करके रेडी कर ली हैं। अब हम इन पट्टियों को गले में लगाएंगे लूप बनाकर। तो पट्टी को हमें डबल फोल्ड करना है और गले के अंदर से हमें इसमें लगाना है। देखिए गले पट्टियों को हमें नीचे तक लगाना है, सिर्फ ये जो नीचे की तरफ है डिजाइन उसमें हमें नहीं लगाना है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी लूप बनाकर इन पट्टियों को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से इसमें लूप लगा लिए हैं, इसे साइड में कर देंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर ये चौकोर शेप में कटे हुए कुछ कपड़े के टुकड़े लिए हुए हैं, इन्हें ट्रायंगल शेप में पलटेंगे और इसके बाद दोनों तरफ से पलटते हुए इस तरीके से डिजाइन बना लेंगे। सेम इसी तरीके से हमें सबरे पीसेस में ट्रायंगल बनाकर दोनों तरफ से पलटते हुए सिलाई लगा लेनी है। सिलाई के बाहर का एक्स्ट्रा कपड़ा हमें कट करके निकाल देना है। हमें ब्लाउज लेंगे और ब्लाउज के नीचे साइड हमें इन सभी डिजाइन्स को इस तरीके से रखते हुए सिलाई लगानी है। देखिए कुछ इस तरीके से हमें सभी डिजाइन्स को रखते जाना है और इस पर सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद हमने यहाँ पर ये गोल्डन कलर की डोरी ली है और जो हमने लूप्स लगाए हैं इन सभी लूप्स में हमें डोरी को कुछ इस तरीके से लगाना है। इस तरीके से हमें डोरी को सभी लूप्स में अच्छे से फंसा देना है। नीचे की साइड हमें लगभग 2 इंच डोरी को एक्स्ट्रा रखना है और अब हम इस डोरी को अंदर की तरफ करके इसे सिलाई से पक्का कर लेंगे। दोनों साइड हमें डोरी को पक्का कर लेना है। इसके बाद हमने यहाँ पर इसे डेकोरेट करने के लिए गोल्डन कलर की लेस ली है। लेस को हम ऊपर के साइड गले में अटैच कर लेंगे। इसके बाद हमें नीचे की साइड भी लेस को अटैच कर लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर लेस को अच्छे से अटैच कर लिया है। देन हमने यहाँ पर ये 2 फैब्रिक के टुकड़े लिए हुए हैं, 4 फैब्रिक के टुकड़े लिए हुए हैं और 5 इंच लंबाई में 2 डोरी ली हुई हैं। डोरी के ऊपर हमें लटकन लगाना है इसी कपड़े से। सेम इसी तरीके से हम दोनों डोरियों में दोनों साइड लटकन लगा के रेडी कर लेंगे। अब हमें दोनों डोरियों को लेना है और ऊपर के साइड कुछ इस तरीके से रखते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे। इसको बीच बीच हमें एक फैंसी बटन को टक कर देना है। तो यहाँ पर ये हमारी ब्लाउज की डिजाइन बनके रेडी है। नीचे की साइड आप इसमें मोती भी टक कर सकते हैं।